स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाई डीएसएल पर। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस का पेपर है जो वो हो चुका है 31 अक्टूबर और 1-2 नवंबर को जो है ये पेपर हुआ है। और मैंने बहुत सी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखी है, कोई बता रहा है इतने पर कट ऑफ जाएगी, कोई बता रहा है इतने पर कट ऑफ जाएगी। तो उन सभी की कट ऑफ देखने के बाद जो डिसीजन मैंने निकाला है, तो आप सभी को पता है इसमें हरियाणा जीके नहीं आई हुई थी, इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो सोच रहे थे इंडिया लेवल की जीके आएगी वो भी नहीं आई हुई थी। आप सभी को पता है इसमें इंटरनेशनल जीके बहुत ज़्यादा आई हुई थी, रीजनिंग कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डीपली आया हुआ था। हर एक बच्चा जो HSSC के हिसाब से तैयारी करके गया था उसका ये पेपर, ये मान के चलो बहुत कम चांस है। जो बच्चे SSC की तैयारी करके इस पेपर को करने की कोशिश कर रहे थे वो शायद क्लियर कर दें, जो बच्चे SSC की तैयारी करते थे। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि जिस किसी बच्चे के भी इस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन ठीक हैं, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो EWS हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, SCA ST हो या BCA BCB, कोई भी हो, जिस किसी के भी 50 क्वेश्चन ठीक हैं इस पेपर में, तो आप मान करके चलो कि आपका जो पेपर है वो फिजिकल के लिए आपका रोल नंबर ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो जिस किसी भाई के भी 50 क्वेश्चन ठीक है तो वो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, बहुत जल्द जो है आपको 1 या 2 दिन के बाद आंसर की आने वाली है, उसमें अच्छे से मैच कर लेना। और उसके बाद जिस किसी के भी जो है 50 नंबर बन जाएं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी के लिए लग जाएं। फिजिकल जो है आपका 5 से 7 दिन के बाद ही फिजिकल होगा। अब के बार HSSC बहुत जल्द भर्ती कर रही है, और जिस किसी भाई का भी इसमें एग्जाम क्लियर ना हो तो वो अपनी ऐसे ही तैयारी करते रहें। मैं तो यही कहूँगा कि आप HSSC की तैयारी ना करके आप SSC की तैयारी करें, वो बेटर है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हरियाणा।